फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालिए वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में जो पास होती है एक पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर है 2y-j+4। देखो ये जो पॉइंट है ये लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है और जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वेक्टर 2y-j+4 के। अब ध्यान सुनना दोनों फॉर्म चाहिए तो कार्टेशियन की वैल्यूज में भी यहीं पे लिख लो। अगर ये ए का पोजीशन वेक्टर है तो ए के कोऑर्डिनेट पता चल गए, कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं आई जे के लगा के और पोजीशन वेक्टर तो कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके ठीक है। और दिया है एंड इन दी डायरेक्शन का मतलब रिएक्शन वेक्टर। किस डायरेक्शन में लाइन की क्वेश्चन निकालनी है i+2j-k पैरेलल टू ये डायरेक्शन वेक्टर दिया है ये इन डी डायरेक्शन बोले इन तीनों का मतलब ये है वो आपको जो वेक्टर दिया वो बी वेक्टर है तो बी वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर क्या दिया हुआ है i+2j-k। तो अभी डायरेक्शन वेक्टर है तो इससे हमें डायरेक्शन रेशियोज का पता चल जाएगा। बोलो 1 2 1 ठीक है। अब दोनों इक्वेशन हम निकाल सकते हैं तो पहले देखो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है 2y-j+4k। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है i+2j-k। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन r = a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर 2y-j+4k ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर i+2j-k हो गया ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन 1, 2, -1 जिस पॉइंट से पास हो रहा है हमने लिखे लिए हैं यानी ये जो आपको है ये क्या है x1 गिवन पॉइंट को बोलेंगे x1 y1 z1। दो पॉइंट के बाद दूसरे वाले को बोलेंगे x2 y2 z2। x y z की जगह कभी नहीं पुट करेंगे ये तो इक्वेशन का हिस्सा। तो बोलो अब कार्टेशियन का फॉर्मूला लिखा तो x-2/1 बोलो y+1/2 -4/-1 दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन।